बहुत बड़ा बेड़ा, बहुत कठिन जवाबदारी और बड़ी परिश्रम के साथ राहुल जी ने देश के वर्तमान हालात की जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के श्रीनगर तक पहले चरण में गई थी, देश के दक्षिण से उत्तर तक, अभी मणिपुर से मुंबई तक की, पूरब से पश्चिम लगभग 6,500 किलोमीटर की यात्रा वो कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाना, मिलना, जानकारियां लेना, जागरूकता फैलाने के लिए बातों को रखना अपनी, इसी यात्रा में वो निकले हैं। और हम सब के लिए बहुत ही गर्व, खुशी और सौभाग्य का विषय है कि इस मार्ग को उन्होंने चुना। सरगुजा होते हुए वो आगे जा रहे हैं, हम सब उनके स्वागत के लिए और उनके साथ शामिल होने के लिए उपस्थित हैं। जो यहाँ की परिस्थिति है उसको लोगों ने बताया होगा, मैं साथ में नहीं था, वहाँ पर मुर्गा में डेलीगेशन आया था, उनने बोला, वो वहाँ जाके उनके साथ बैठ के उनने बात भी की और जो स्थितियाँ रही होंगी उसके बारे में लोगों ने बताया। क्या लगता है किस तरह से जनता को संदेश देंगे जिस तरह से सरगुजा से गुजर रहे हैं? तो ये दुर्भाग्य रहता है कि आम लोग उस बात को महसूस नहीं करते कि जो हम देखते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पूरी व्यवस्था को अपहृत कर लिया जाता है, यहाँ हमको दिखता है हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देश में जिस तरह से फासिस्टवादी सोच के लोग प्रजातांत्रिक माध्यम से सत्ता में पहुंच गए हैं और जिस तरह से वो सारी व्यवस्थाओं को जकड़ ले रहे हैं, हमारे विचार से ही हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही करना, प्रजातंत्र स्थापित ही इसीलिए किया गया था कि एक व्यक्ति की ना चले, एक सामंत की ना चले, एक तानाशाह की ना चले, लोगों की राय चलनी चाहिए। वो व्यवस्था जो संविधान के माध्यम से स्थापित स्वतंत्र प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत में हुई थी वो ध्वस्त होती जा रही है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इसीलिए आवश्यकता पड़ रही है कि समय रहते हुए लोगों को ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाए कि आप समझिए कि हो क्या रहा है देश में। ऊपर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से जिस तरह से सभी संस्थाओं को कब्जे में ले लिया जा रहा है और उसके माध्यम से सोचा नहीं जा सकता था कि एक मेयर के चुनाव को, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को, सबसे बड़े शहरों में देश के माना जाता है, विकसित शहरों में माना जाता है, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ऑन कैमरा चुनाव हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी और फिर भी ऐसा किया जा सकता है। क्या लगता है बाबा इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव सीधा उद्देश्य नहीं है, लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाना है और लोकसभा चुनाव के लिए लोगों की मानसिकता जागृत हो ये उद्देश्य है, जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है 11 सीट छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखते हैं कांग्रेस? आदेश ज़्यादा